हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। अयोध्या के विवादित जमीन पर बीते दिनों सुनाए गए कोर्ट के फैसले के बाद देश में चारों ओर इसी बात को लेकर चर्चाएं हैं। देश के कई बड़े नेताओं समेत बॉलीवुड स्टार्स ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। वहीं इसी बीच बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर से जुड़ी खबर सुन सभी के चेहरे पर मायूसी छा गई है। जैसा कि आप जानते हैं, लता मंगेशकर की तबीयत बीते कई दिनों से खराब चल रही है, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर प्रतीत समदानी उनका इलाज कर रहे हैं। बता दें कि कुछ वक्त उन्हें आईसीयू में रखने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। वहीं सोशल मीडिया पर भी लता जी की तबीयत को लेकर सेलेब्स लगातार ट्वीट कर रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको किसने क्या कहा। पूनम ढिल्लन ने ट्वीट करते हुए कहा है, आप सभी से निवेदन है कि लता मंगेशकर जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें कि हमारी अपूर्णीय कीमती भारतीय रत्न जो अस्पताल में है, प्रार्थना की शक्ति असीम है। वहीं सिंगर अदनान सामी ने लिखा है, गेट वेल वेरी सून डियरेस्ट दीदी प्रेयर्स। इसके अलावा शबाना आजमी ने भी सोशल मीडिया के जरिए कहा, आदाब और हजारों दुआएं कि आप फौरन अच्छी होकर सही सलामत घर आ जाएं। बता दें कि इन सबसे पहले एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था, लता मंगेशकर जी के लिए प्रार्थना, जो अस्पताल में भर्ती हैं और खबर है कि उनकी हालत गंभीर है, भगवान उन्हें इस संकट से बाहर निकलने की शक्ति दे जिससे वो हमारे बीच बनी रहे। राष्ट्र की भारत रत्न भारत की कोकिला लता जी के लिए दुआ करती हूँ। बता दें कि सेलेब्स के अलावा सांसद और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी लता मंगेशकर के जल्द ठीक होने की कामना की है। बता दें चलें कि लता मंगेशकर की तबीयत को लेकर डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि लता जी को निमोनिया हुआ है, साथ ही उनका बायां वेंट्रिक्यूलर भी फेल हो गया है। उनकी हालत अभी भी गंभीर ही बनी हुई है, जिसे लेकर बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर आम जनता तक उनकी अच्छी सेहत की कामना कर रहे हैं।